मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ जो कि कन्फर्म नहीं हुआ है अभी बट तैयारी शुरू है क्योंकि मुझे लगता है कि कन्फर्म हो जाएगा तो क्रिसमस में मैं घर पर ही था बट ट्वेंटी को बादशाह का एक कॉन्सर्ट था मैं थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर गया हुआ था तो इन अ वे क्रिसमस मैंने वो रात को सेलिब्रेट कर लिया था क्रिसमस आई प्लेड नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्पेशल अपीयरेंस था और मुझे वहाँ से कॉल आया कि वो चाहते कि मैं प्ले करूँ और जनरली मैंने तो बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया था मुझे नहीं पता था कि वो कैरेक्टर क्या है नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या होगा Uh, क्योंकि मैंने अपने आप को नेगेटिव कैरेक्टर्स में कभी इमेजिन नहीं किया uh, क्योंकि मे बी मैं शायद बहुत शरीफ दिखता हूँ इसलिए बट अच्छा लगा उनके साथ काम करके uh, मतलब पूरी टीम uh, पुरानी थी ऑलमोस्ट uh, तो मज़ा आया सबके साथ काम करके और पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी एक पॉइंट के लिए मुझे लग रहा था यार ये तो उन दिनों का सेट है बट uh, देन uh, वो उम्मीद का सेट था और uh, काम करके मज़ा आया एंड आई थिंक आई प्लेड रिली वेल और मुझे ख़ुद को देख के लग रहा था कि वाह यार मतलब इतना हैंडसम गुड लुकिंग लॉयर मज़ा आया मुझे ख़ुद को देख के एक बेंच होता है तो मेरा शायद अगर फिलहाल नौ साल के करियर में वो समीर है अब उसको कौन सा किरदार या किस किरदार के थ्रू मैं ब्रेक करूँगा वो पता नहीं बट फिलहाल अगर uh, आप मुझसे ये सवाल पूछोगे तो समीर के नाम से मुझे अभी भी जाना जाता है पहचाना जाता है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी वो कैरेक्टर बहुत पसंद था और मैंने बहुत दिल से वो प्ले किया था दो साल तक सो आई थिंक अभी फ़िलहाल तो मैंने एक बेंच सेट किया है जो है समीर उन दिनों की बात है पता नहीं कौन से किरदार और किसके थ्रू मैं उसको तोड़ पाऊंगा या उसके आगे निकल पाऊंगा बट फिलहाल समीर शुरुआत ही की है अभी तो ऐसा बहुत कुछ है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले करना चाहता हूं अभी तो सिर्फ मैंने गिन के दो चार पांच ही कैरेक्टर्स प्ले करे हैं और एक्सपेरिमेंट करे हैं अभी तो बहुत कुछ बचा है मतलब शायद एक जिंदगी कम पड़ जाएगी इतने सारे किरदार बचे हैं प्ले करने के लिए तो अभी आई फील कि अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है एंड आई विश एंड आई होप कि जितने भी कैरेक्टर्स मुझे मिले थोड़ा डिफरेंट मिले थोड़ा हटके मिले तो मुझे भी करके मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा और कुछ नया मैं ऑडियंस को दिखा पाऊंगा पसंद करता हूँ एंड बट आई फील कि अभी मैं आ, करने के लिए रेडी नहीं हूँ रियलिटी शोज मुझे पसंद है आ, पर अगर आप बोलोगे कि मैं करना चाहूँगा करना चाहूँगा कब करना चाहूँगा शायद दो चार पाँच साल बाद अभी फ़िलहाल आई फील कि मैं रेडी नहीं हूँ रियलिटी शोज़ के लिए सारे शोज़ बहुत अच्छे हैं बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी झलक दिखलाजा नज वलिया नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं सिंगल हूँ बट मे भी अगर पाँच साल बाद शादी हो गई तो शायद नज बली है तो ये सारे शोज हैं जो मैं करना चाहता हूँ और सारे करूँगा मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा मेरे स्कूल में तो अच्छे से सेलिब्रेट करते थे क्रिसमस तो याद है मुझे कुछ मेमोरीज हैं मेरा एक फ्रेंड था वो क्रिश्चन था तो वो पता नहीं कुछ तो गिफ्ट बॉक्स बनाते हैं जो क्रिसमस वाले दिन सबको बाँटते हैं तो वो वो ना सौ रुपये में उस टाइम पर जो जिसको मिलते थे ना बॉक्स वो सौ सौ रुपये में बेचता था वो तो मुझे याद है कि मैं क्योंकि मैंने भी ख़रीदा था सिर्फ वो गुडीज़ देखने के लिए क्या होता है अंदर क्या नहीं होता एक्साइटमेंट थी बस बट सौ रुपये उस टाइम में बड़ी बात थी ये शायद मैं तो फिफ्थ में सिक्स में था आ, तो सौ रुपये में बेचता था और मैं बड़े पैसे जोड़ के खरीदता था वो तो क्रिसमस की एक मेमोरी है और न्यू ईयर्स में मोस्टली यार मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही रहता था जब तक मैं झांसी में था आ, तो न्यू ईयर्स की ऐसा सच कोई मेमोरीज नहीं है जो भी है बट स्पेशल है क्योंकि फैमिली के साथ रहा हूँ मैं और अभी भी बहुत टाइम हो गया बहुत साल हो गए मैं फैमिली के साथ न्यू पे रहा नहीं हूँ तो इस बार मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई प्लान नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ झांसी जाके फैमिली के साथ एक दो दिन रह के वापस आऊँ और ट्रैवल प्लान तो नहीं किया ऐसा बट दो प्लान हैं इधर गोवा या फिर झांसी एट्टी परसेंट मैं झांसी जाऊँगा क्योंकि मेरा बहुत मन है इस बार आ, और ट्वेंटी परसेंट गोवा क्योंकि कुछ दोस्त हैं मेरे तो वो वहाँ पे आए हुए हैं मैं नहीं मानता कि आजकल के जनरेशन में ऐसा है कि ऊँचाई जल्दी हासिल करनी पड़ती है क्योंकि बचपन में भी मैं सुनता आया हूँ लोगों को शॉर्टकट मूवीज़ में भी आता है वो शॉर्टकट पैसे कमाने का या शॉर्टकट नाम कमाने का वो तो शुरू से चलता आ रहा है बट मैं उस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ ना मैं वो फॉलो करता हूँ बात मैं खुश हूँ अपनी रेस से और मैं खुश हूँ कि अपनी जर्नी अपनी चीज़ें मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ मेरे को कोई प्रेशर नहीं है ना फैमिली का ना फ्रेंड्स का ना खुद का कि मुझे जल्दी जल्दी करके फॉलोअर्स गेन करना है नाम गेन करना है पैसा गेन करना है आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से मैं अपनी मैंने अपनी जर्नी प्लान करी है स्लो 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 और अच्छा अच्छा काम करके जो भी आएगा सो आई एम हैप्पी दैट वे तो मैंने फैमिली से भी बात नहीं करी है मेरी शिवांगी से भी लास्ट आई थिंक पता नहीं दस पंद्रह दिनों की बात नहीं हुई है लास्ट टाइम आई टी में थे uh, और रही बात शादी की और बलिए की तो मैं मोस्टली अरेंज मैरिज करूँगा अरेंज को लव में कन्वर्ट करके मतलब पहले देख लूँगा पसंद आएगी तो बातचीत करूँगा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा एंड देन यू नो करूंगा बट शिवांगी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हम दोस्त थे दोस्त हैं एंड दोस्त ही रहेंगे आई फील टू में uh, जितनी मेहनत मैंने नौ सालों में नहीं करी है ये मेरा टारगेट है कि मैं uh, डबल ट्रिपल मेहनत करूंगा एंड आई एम श्योर कि दो मैं बहुत अच्छे काम के साथ आपके सामने आऊँगा और uh, जो चीज़ें अब तक मिस करी हैं मैंने वो सारी चीज़ें करूँगा मैं Be it, पे एक्टिव रहना या अपने फैंस के साथ बात करना या फिर अपने काम के थ्रू उनके दिल तक पहुंचना और सब कुछ मेहनत से करूंगा एंड आई फील मुझे बहुत स्ट्रॉग फीलिंग है कि 2023 बहुत अमेजिंग आने वाला है मेरे लिए सो जिस वेट बिलीव इन रेजोल्यूशन मतलब ये तो सिर्फ एक 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 फॉर्मेलिटी बोल सकते हो आप ये या कुछ भी बोल सकते हो बट आई डोंट बिलीव रेजोल्यूशन कुछ नहीं होता यार वो न्यू उसके लिए न्यू एयर की जरूरत नहीं है जब जागो तब सवेरा सो so, मेरा वही फंड है सो गाइज विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ सक्सेस और हमेशा हंसते रहो मुस्कुराते रहो और uh, खुश रहो वो ज़रूरी है और अपने माँ बाप का ध्यान रखो आसपास पौधों का ध्यान रखो और जानवरों का ध्यान रखो और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना खुद का ध्यान रखो अपने अपने मेंटल uh, स्टेट का ध्यान रखो